हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल एमबी वासुदेव में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्लैग यानी झंडा। यह फ्लैग, इसमें तीन रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो आज हम इसके ऊपर निबंध पढ़ेंगे हिंदी में। अगर आपको इंग्लिश में ऐसे भी देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, इंग्लिश में भी है इसके ऊपर कुछ लाइनें। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। राष्ट्रीय ध्वज, इसको तिरंगा भी कहते हैं क्योंकि ये तीन रंग होता है इसमें, ये तीन रंगों का होता है इसलिए इसको तिरंगा भी कहा जाता है। तिरंगा प्यारा। तिरंगा हमारे देश भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। यह हमारे देश के सम्मान का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज या झंडे में तीन रंग हैं। तीनों रंगों का अपना अलग अलग महत्व है। तीन रंगों की समान पट्टियां होती हैं। जैसे आपने ये देखा इस झंडे में, इसमें तीन रंग है और ये जो ऐसे दिख रही हैं इनको पट्टियाँ बोलते हैं, इसलिए इधर लिखा गया है कि इसमें तीन रंग की पट्टियाँ हैं और बीच में एक चक्र होता है जिसका कलर नीला होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तीनों रंगों की समान पट्टियाँ होती हैं। पहली पट्टी में केसरिया रंग है जो कि बलिदान और त्याग का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग है जो कि शांति और अहिंसा का प्रतीक है। इस सफेद पट्टी के बीच में चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं। तिल्लियां हैं जो दिन और रात को प्रदर्शित करती हैं। जैसा आपने इसने देखा, झंडे में तीन पट्टियां हैं और बीच में सफ़ेद रंग है, इसके ऊपर चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं यानी 24 जो नीले रंग हैं जो दिन रात की प्रतीक होती हैं प्रदर्शित करती है। यह चक्र समय और उन्नति का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग है, यह देश की हरियाली और विकास को प्रदर्शित करता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज सभी सरकारी भवनों पर शान से लहराता है। राष्ट्रीय पर्व के अवसरों पर इसे फहराया जाता है। यह ध्वज भारतीय एकता और महानता की गाथा गाता है। यह हमारे देश की शान और मान है। सब भारतीय इसे सदैव नमन करते हैं। आई होप आप लोग को ये हिंदी में निबंध हमारे राष्ट्रीय झंडे के ऊपर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये ऐसे इंग्लिश में चाहिए तो या देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसमें इंग्लिश में भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।